फ्रेंड्स, मैं जया अग्रवाल। आज मैं आपको मैगी रोल बनाना बताऊंगी, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मैगी बहुत पसंद आती है और इसमें रोटी भी फिल करेंगे तो ये बहुत हेल्दी भी होगी। रेसिपी बनाने के पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैगी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल मैगी लेंगे, वन बाउल गेहूँ का आटा लेंगे, हाफ बाउल मैदा लेंगे, बटर लेंगे और सॉल्ट लेंगे और ऑयल लेंगे मोइन के लिए। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में 3 कप पानी लेंगे, इसको गर्म होने देंगे। बॉइल होने पर इसमें हम अपनी मैगी डालेंगे। मैगी को थोड़ा सा चलाते हुए उबलने देंगे। देखिए हमारी मैगी उबल चुकी है, अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे और इसको फिर चलाएंगे। मैगी को हमें थोड़ा ड्राई रखना है, इसका पानी पूरी से सूखने देंगे, क्योंकि ये रोटी पे फिल करनी है तो ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। ये हमारी मैगी बन के तैयार है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम अपना डो तैयार करेंगे। इसके लिए आटा, मैदा, मोयन और सॉल्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको माड़ेंगे। इसको हमको रोटी जैसा माड़ना है, दबाते हुए अच्छे से आटे को माड़ लीजिए। हमारा आटा मड़ गया है, इसको 10 मिनट के लिए हम सेट होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है, अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। रोटी बेलने के लिए सूखा आटा थोड़ा सा लगाकर इसको थोड़ा सा बेलिए। फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी या बटर लगाने के बाद इस तरीके से इसको चारों कोने को फिल करेंगे। हमें स्क्वायर रोटी बनानी है, आप गोल रोटी पे भी मैगी फिल कर सकते हैं। स्क्वायर रोटी पे जरा रोटी का शेप अच्छा आता है। ये देखिए हमारी रोटी बिल के तैयार है। अब हम पैन गरम करेंगे, इसमें रोटी को सेकेंगे। एक साइड सेक जाने पर इसको हम पलटेंगे। रोटी को हमें डायरेक्ट आंच पे नहीं सेकना है, कपड़े से हल्का सा दबाते हुए सेकना है, जिससे ये क्रिस्पी रहे। ये हमारी रोटी सेक के तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में ले लेंगे रोटी को फिल करने के लिए। रोटी को पहले हम बटर लगाएंगे, उसके बाद इसमें मैगी फिल करेंगे। आप इसमें चीज और सॉस भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। रोटी को इस तरह से दबाते हुए मैगी को फिल कर दीजिए, रोल कर दीजिए। ये मैगी रोल हमारा तैयार है। इसको टिफिन में रखने के लिए आप इसको फाइल पेपर पे रैप कर दीजिए, जिससे ये गर्म और नरम रहेगी। अब हमारा मैगी रोल बनके तैयार है। थैंक यू।